काट्दैछु नि काटो काटो चक्कु फेरि यति लाग्ने छ कि त्यसका बाजे चाहिँ हावा काट्यो भने नि काट्दैन यसलाई हुन्छ नि दाल धान्नको लागि पुरा फोकस म्यान गर्नुपर्छ क्या क्यामरामा इधर फोकस गरौँ न क्यामरामेन इधर फोकस गरौँ इधर फोकस गरौँ पूर्वा नै चाहिँ नआबेल त भएन पूर्वाको लागि बुढो नहुँदै गरेको भिडियो उता पछाडिबाट बनाउनु त्यो मान्छेले काम गरी खानु सक्दैन युट्युबमा चाहिँ जेपाती बनाएर पैसा कमाउने बाटो ये आदमीको जो है आप सब बहुत अच्छे से देखिए ये पुष्पा राज है और पुष्पा राज कभी झुकता नहीं है लेकिन इसके भीतर से झुकता बहुत है, है तो थोड़ा बहुत जो है शर्म आप बाप रे ये तो कैमरा ही तोड़ने के लिए भी प्रयास कर रहा था लेकिन तोड़ नहीं पाया है इसको इधर रहेगा इसको इधर करना इसको भी इधर करना और हम लेके आप आए एक पाटे वाले थे ना जहाँ कम पानी ले त्यसरी बोल्यो भने दामी हुन्छ कि चार मिठो हुन्छ तो आज हमारा जो है बड़े भाई जो है कुछ बनाने वाला है खतरनाक तरीका से देख सकते हैं आप सब कि कैसे पूरा एकदम जलवा बिखर रहा है आज तेरी के इतना ऊपर ऊपर तक देखो भाई आग के लपटे किधर ऊपर ऊपर तक जाता है अभी और आप सब सोच नहीं सकते कि इतना जो है डिलीशियस बनाता है कुछ भी बनाए लेकिन डिलीशियस बनाता है और तो आप सब जो है वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को फुल इंजॉय करिए तब तक मैं आप सब जो नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप सब सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर भी करिए लड्डू मिलेगा हाँ मुंह मीठा करो सब्सक्राइब करो लाइक करो हाँ शेयर करो हाँ इधर लोचन बुड्ढा है इसको भी लेके जाओ ऊपर हाँ देखो देखो इधर जलने लगा है अभी तब तक मैं गाइस मैं जो है इधर इधर चला देता हूँ अभी क्या ले लूँ टमाटर जाने का नहीं तो आप सब गाइस देख सकते हो कि किस तरीके से अभी जो है ये पूरा क्रिस्पी हो गया है और जो है अभी तो है फिलहाल इसमें मसाला तसाला सब कुछ डालने के लिए अभी बहुत बाकी है तो आप सब फिलहाल जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे किस प्रकार का डिलीशियस क्या ये क्या चीज़ है ये क्या है ये साग है साग है ओरिजिनल वाला साग है ये ओरिजिनल साग का नाम क्या है बताइए हम साग का नाम वो पांजंग इसे हिंदी में आप सब बोल सकते हो राई साग ये राई साग क्या बोलता है ये राई साग जो है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो आज जो है हम ये आज बनाकर खाने वाले हैं भात के साथ नहीं हाँ चावल के साथ खाएगा चावल के साथ चावल के साथ खाने के लिए हाँ इधर बन रहा है और ये हमारा आ गया बहुत मसाला जो कि ये नमक डाल दिया नमक ज़्यादा मत खाओ नमक भी डाल दिया और ये क्या है ये वो पाउडर है पाउडर क्या चाट मसाला हल्दी सल्दी अभी नहीं डलेगा हल्दी कुछ भी नहीं डलेगा इसमें इसको ये अभी तो भाई ऑर्गेनिक है ना ऑर्गेनिक बनाएगा ऑर्गेनिक हमारा भाई जो अभी बोल रहा है वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाएगा और डिलीशियस लगेगा खाने में तो हम भी देखते हैं कि आज क्या किस प्रकार से बना रहा है जो कि नहीं कुछ हल्दी नहीं डला है नहीं मसाला डला है कुछ नहीं डला है सिर्फ डला है तो प्याज लहसुन आदि और आदि भी नहीं डला है
और जो है लाल मिर्च जो है वो भी डल गया है बहुत ही भयंकर तरीका से भाई। लेकिन अभी जाके सो रहा है, दिन के नहीं सुबह के साथ। सुबह का 7 बज रहा है, थोड़ा बोलने में बहुत मिस्टेक हो रहा है गाइस। इधर तो गाइस आप सब देख सकते हो इस प्रकार से जो हमारा कुछ जो है रायसा का बन के तैयार हो गया है, डिलीशियस चीज। और खाने में बोल रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा, तो फिलहाल अभी तक जो है टेस्ट नहीं किया गया है, अभी टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप सबको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा लगता है।